नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली की सब्ज़ी। ब्रोकली, आलू, मटर, टमाटर सब ले लेंगे। दो टमाटर, एक प्याज, दो हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट तैयार कर लेंगे। धनिया, ब्रोकली, मटर, एक प्याज का हम काट के छौंक लगाएंगे। धनिया भी हमने काट कर रख लिया है। ये हम दो टेबल स्पून तेल ले लिए हैं। मटर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर मिक्सी जार में हम पेस्ट बनाकर रख लिए हैं। एक प्याज को हमने काट लिया है। एक कढ़ाई लेंगे, गैस को जला देंगे। तेल डाल देंगे। जीरा आधा चम्मच, कटी हुई प्याज, हल्का इनको भूनेंगे। पेस्ट डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच, एक चम्मच नमक डाल देंगे। सबको मिक्स कर देंगे। तेल आने तक हम मसाले को भूनेंगे। अच्छी खुशबू आने लगी कि देखिए इसमें तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम सब्जियां डाल देंगे। आलू भी डाल देंगे। अच्छे से इनको भूनेंगे मसाले के साथ। मटर डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्सी जार में हम पानी डाल के उसको भी डाल देंगे। जो उसमें का मसाला लगा है पेस्ट वो छूट जाएगा। चलाते हुए इसको भूनेंगे। बाकी का जो पानी बचा हुआ है उसको भी डाल देंगे। गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच। मिक्स कर देंगे। ढककर इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम दोबारा से चला देंगे। देखिए अभी आलू इसमें का कम पका है। पाँच मिनट और हम पकाएंगे। 5 मिनट के बाद देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। सारी हरी धनिया डाल देंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।